तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि आपको बेसिक रिएक्ट नेटिव आना चाहिए और नोड जेएस भी आपको बेसिक आना चाहिए, तभी आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें। और अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी, मेक श्योर आप यहाँ से चेकआउट करिए। जैसे आप बेसिक कोई भी इसमें से क्रैश कोर्स देख सकते हैं, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं, आप इसको चेकआउट करें। जो भी अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप उसको चेकआउट करिए। और जैसे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तब आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं साथ ही में लिंक जो है आई बटन पे भी प्रोवाइड कर दूंगा इन केस अगर आपको यहाँ से देखना है तो। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देख लेंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर की हमको ज़रूरत है और कौन सी टेक्नोलॉजी हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं नोड जेएस, इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको जो है LTS वर्जन को डाउनलोड करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं पूरा सेटअप आपको नहीं बताने वाला, बहुत सिंपल सा सेटअप है। इसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे इसका इंस्टॉलर ओपन होगा, अगर आप विंडोज पर हैं तो यहाँ से आप LTS वर्जन डाउनलोड करें, और अगर आप कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पर है जैसे मैक, मैक में भी सेम होता है, लिनक्स का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, सो मेक श्योर आप देखें कैसे उसमें इंस्टॉल किया जाता है। अभी मैं विंडोज पर हूँ तो आप क्या करें यहाँ पर LTS वर्जन को डाउनलोड करें। करंट वर्जन देखिए, इसमें हमको अपडेटेड फीचर्स मिलते हैं लेकिन उसमें बग्स भी हमको देखने मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। तो ज्यादा स्टेबल यहाँ पर देखिए LTS वर्जन है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट। सो मेक श्योर आप भी क्या करें LTS वर्जन को डाउनलोड करें, सिंपली इसको डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर ले, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और कुछ उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आप जो है पावर शेल में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में इसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया नोड डैश वी, इतना लिख के आपको सर्च करना है, मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतना लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे केस में 18.15, आपके केस में हो सकता है, देखिए अभी फिलहाल कौन सा चालू है 18.17 है, मेरे केस में है 18.15 है, तो चलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मगर एटलीस्ट अभी मैं जो है 18.15 पर हूँ तो इतना तो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप क्या करें लेटेस्ट वाला जो भी LTS वर्जन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, सेम काम करेगा। इसके साथ में हमको जो है नोड पैकेज मैनेजर भी आता है जिसे हम कहते हैं NPM, उसका भी वर्जन आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको सिंपली लिखना है NPM डैश वी, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए तो देखिए मेरे केस में 9.5। हो सकता है आप कोई न्यू वर्जन इसमें डाउनलोड करेंगे तो वर्जन हायर देखने मिल सकता है, मगर एटलीस्ट जो है 9.5 होना चाहिए। अभी लेटेस्ट जो 18.17 है इसके साथ में हो सकता है इसमें एक दो पॉइंट इसमें ज्यादा आपको देखने मिले, सो मेक श्योर आप इसको डाउनलोड करके रखें। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे, तो आप क्या करें इसको भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सप्रेस जेएस। तो नोड जेएस का अगर आपको यूज करना है तो आप नोड जेएस का कोई भी फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर REST APIs की मदद से जो है बैकएंड पर काम करेंगे, तो उसके लिए हम जो है एक्सप्रेस जेएस का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको पता होगा REST APIs के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सप्रेस जेएस है नोड जेएस के साथ में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में हम यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है MongoDB डेटाबेस, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल में MongoDB, इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, सिंपली इसको क्लिक करिए। उसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, अगर आपके पास इसका अकाउंट है तो ठीक, नहीं है तो आप क्या करें पहले शुरू इसका एक अकाउंट क्रिएट कर लें। हम यहाँ पर क्लाउड डेटाबेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, और अगर आप लोकली इसको यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करें इसका कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करें। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट्स पे आपको जाना है, प्रोडक्ट्स के अंदर जो है आपको मेन्यू मिलेंगे, देखिए कम्युनिटी सर्वर, इस पर क्लिक करिए और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, अपना प्लेटफॉर्म यहाँ से सेलेक्ट करिए, बाय डिफॉल्ट तो ये सेलेक्ट हो जाता है, इनकेस अगर कोई दूसरा आपको डाउनलोड करना है ना तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको लोकली अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम जो है हमारे प्रोजेक्ट में क्लाउड डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमको फ्री 512 MB मिलता है, सो डोंट वरी, इनफ है, उसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे लोकली हमारे सिस्टम में भी इसको चेक करेंगे, यानी क्लाउड डेटाबेस को हम हमारे सिस्टम में कनेक्ट करेंगे ताकि हमको बार बार इसमें लॉग इन ना करना पड़े। तो उसके लिए आप जो है MongoDB कॉम्पस का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टूल्स के अंदर कॉम्पस का, इस पर क्लिक करिए, इसको भी आपको जो इंस्टॉल करके रखना है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करिए इंस्टॉल हो जाएगा। और इसका GUI कुछ इस तरीके से मिलता है, मैं नीचे स्क्रोल करता हूँ कहीं पर है क्या एक बार चेक कर लेंगे, तो डायरेक्ट तो GUI का इंटरफेस यहाँ पर नहीं बताया है,
हम प्रोजेक्ट के साथ में आगे देखेंगे, लेकिन आप देखते रहें कैसे जीयूआई काम करता है। एक बार आप भी ओपन करके देखिए। इंस्टॉलेशन के बाद में सिंपली आपको जो अपना क्लाउड कनेक्शन इंस्टेंसेस को कनेक्ट कर देना पड़ता है, और लोकल डेटाबेस भी अगर आप यूज कर रहे हैं ना तो वहां पे लोकल का भी ऑप्शन आपको शो करता है। तो ये हो गया हमारे पास नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी डेटाबेस। फिर हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव भी इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना एक्सपो की मदद से इसको इंस्टॉल करेंगे। सो आप यहाँ पर, मैं ऑफिशियल इसकी वेबसाइट बता देता हूँ आपको, रिएक्ट नेटिव अगर आप सर्च करेंगे ना फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो एक्सपोगो है या फिर रिएक्ट नेटिव सीएलआई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोगो का इस्तेमाल करेंगे, जो कि काफी इजीली जो है हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड भी दे देता है। और अगर आपको प्योर रिएक्ट नेटिव यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके। ज्यादा नहीं, माइनर चेंजेस है। एक्सपो हमको जो है बाई डिफॉल्ट बंडल प्रोवाइड करता है, जिसमें हमको बहुत सी चीजें जो है बाई डिफॉल्ट मिलती है। दोनों में सेम नेटिव फीचर का हम यूज कर सकते हैं, सो डोंट वरी, दोनों सेम काम करते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर रिएक्ट नेटिव चाहिए तभी आप जो है इसका सीएलआई का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको एक्सपो देखना है तो आप एक्सपो की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जैसे कि हम गूगल पे सर्च कर लेंगे एक्सपो सीएलआई, या फिर एक्सपो डेव भी करके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करें, लिखें एक्सपो डेव, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा। और देखिए अगर आपका सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है ना, क्योंकि हम क्या करने वाले एंड्रॉइड स्टूडियो का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है आपके सिस्टम का कॉन्फिगरेशन कम हो, रैम 4 GB हो, तो फिर उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो जो है ना बहुत स्लो चलता है और बहुत हैंग होगा। तो उससे बेटर है आप एक्सपो की एप्लीकेशन जो है अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। iOS हो या फिर आप एंड्रॉइड यूज करते हो, दोनों के लिए अवेलेबल है। आप अपने प्ले स्टोर या फिर iOS स्टोर से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद में आप क्या करेंगे, जैसे आप एक्सपो की एप्लीकेशन यानी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को रन करेंगे तो QR कोड आपको मिलता है, उसको सिंपली आपको जो है स्कैन करना है। और जैसे स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली आपके फोन में हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। कैसे होंगी आप आगे देखेंगे। हम यहाँ पर एम्यूलेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है ना तो आप क्या करें, एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करें। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी अगर आपको देखना है तो नीचे स्क्रॉल करिए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा कैसे आप यूज कर सकते हैं और क्या क्या फीचर है। देखिए प्योर जावा अगर आप कर रहे हैं ना तो उस केस में बहुत अच्छा एडिटर है। हम सिर्फ यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस का यूज करने वाले, इसीलिए जो हमको एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा भी अगर आपको इसके बारे में देखना है तो यहाँ से देखिए इंस्टॉलेशन कमांड, बिल्ड योर फर्स्ट ऐप, सारा चीज आपको मिल जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो क्या क्या कॉन्फिग्रेशन आपको लगती है, एटलीस्ट 16 GB ऑफ रैम आपको चाहिए इसको अच्छे से काम करने के लिए, इतना तो लगता है। सो मेक श्योर अगर आपका सिस्टम कैपेबल है तभी आप जो है यहाँ पर इसको इंस्टॉल करिए, वरना आप मोबाइल की एप्लीकेशन यूज करेंगे तो सेम काम करेंगे दोनों भी। कैसे इंस्टॉल करना है इसका सेटअप यहाँ पर भी दिया हुआ है वीडियो, सो मेक श्योर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर के लिए जो है VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। सो आप यहाँ पर सर्च करें VS कोड, इतना लिख के आप सर्च करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करिए और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफी पावरफुल एडिटर है। जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क पर अगर आप काम करेंगे तो सबसे बेस्ट एडिटर अभी के टाइम पे यही है। इसमें काफी अच्छा हमको इंटेलिजेंस मिल जाता है और काफी अच्छे यूजफुल एक्सटेंशन है जिनका आप यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में देखिए एपीआई टेस्ट करने के लिए हम क्या करने वाले, पोस्टमैन टूल का भी इस्तेमाल करेंगे। ये तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे हमारा सर्वर क्रिएट होना स्टार्ट होगा तब भी मैं आपको डबल से ये बताऊंगा। आप क्या करें, देखिए यहाँ पर पोस्टमैन की ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च करिए, गूगल पे आप सर्च करिए पोस्टमैन टूल, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर ये क्या है, REST APIs को टेस्ट करने के लिए जो है एक टूल है जिसे हम कहते हैं पोस्टमैन टूल। इसी के अल्टरनेट में आता है इंसोमिनिया, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आई थिंक। मैंने उसका यूज नहीं किया इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। मोस्टली मैं जो है पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें हम REST APIs को टेस्ट कर सकते हैं बिना क्लाइंट के, क्योंकि अगर हमको APIs को टेस्ट करना है तो उसके लिए हमको कोई ना कोई फ्रंट एंड लगता है। अगर हम सिर्फ बैकएंड डेवलपर है तो फिर हम क्या करते हैं उसको पोस्टमैन में टेस्ट करते हैं सारी की सारी APIs को, फिर उसका रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, फिर क्या इशू है उसके अंदर, फिर वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, हमारे कुछ REST APIs को यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर वो सक्सेसफुली काम करती है तो हम क्या कर सकते हैं उसको फिर हमारी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन के साथ में बाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में एक और है, ऑप्शनल है, मैं बता देता हूँ। उसके बाद में आप जो है गिटहब का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले शुरू आप क्या करें, गिट डैश SCM करके सर्च करिए। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं ना तो गिट डैश SCM पे जाइए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गिट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करके कैसे यूज करना है, अगर आपको आता है तो ठीक, वरना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वर्जन कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट है अगर आपको अपने एप्लीकेशन में वर्जन्स, चेंजेस या फिर जितने भी टास्क आप कर रहे हैं उसको मैनेज करना है, तो आप जो है गिट का यूज कर सकते हैं। और गिट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को जो है गिटहब पर डिप्लॉय कर सकते हैं। कैसे करेंगे गिटहब पर वो आगे हम देखेंगे, मगर अगर आपको अभी से जो है गिट देखना है तो आप देख सकते हैं। साइड में इसका भी कोई भी ट्यूटोरियल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। सो यही थे सारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन इसके अंदर क्रिएट करेंगे और उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद में क्या एक्सटेंशन मैं यूज करता हूँ वो भी बता दूंगा, ताकि बाद में फिर आपको जो है बार बार एक्सटेंशन देखना ना पड़े। तो ये सारा सेटअप हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।